गाइस अब बज रहे हैं रात के 1:08, तारीख हो गई है 23 अगस्त। दोस्तों रात के 1:08 हो रहे हैं और अब मेरा कुछ लिखने का मन कर रहा है, तो देखते हैं क्या लिखती हूँ मैं। तो दोस्तों मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज, धूप भी नहीं निकल रही ना, सुंदर सुंदर सुहाना सुहाना। ये देखिए ये हमारी प्यारी प्यारी तुलसी, सुंदर है ना, हाथ डालने से अच्छी हो जाती है। ये फूल सुबह बिल्कुल बंद थे, अब खुल गए, खिल गए। ये भी तुलसी है, वो भी तुलसी है, उधर कॉर्नर में आप देख रहे हैं। कहते हैं ईटिंग एन एप्पल कीप्स यू अवे फ्रॉम डॉक्टर, एंजॉय। आज मैंने ये कुर्ता पहना, मम्मी तो टीवी देख रही है, मैं तेरा हीरो मूवी आ रही है। तू रहना साथ हमेशा, 5 बार देखिए, प्लीज हेल्प कर दो। मेकिंग टी, अभी अभी दोस्तों खाना खाया है और मैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं चाय पीऊँ, तो मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। शुगर में कम डालूँगी, ओनली 1 स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, चलिए मिल्क ऐड करते हैं। मेरा दोस्तों हमारा मिल्क, और ये हमने डाला इसमें डार्क है क्या, बड़ा सफिशिएंट है, सही है ना। अब इसको हम बॉइल होने देंगे। मेरा मिल्क, दूध वाली चाय पीने का मन है आज, ऐसे बॉयल होने देते हैं। गैस, हारमोनियम। जब भी मुझे स्ट्रेस फील होता है या फिर मुझे थोड़ा ऐसा होता है अंदर से डिमोटिवेटेड, तब मैं इसके पास आ जाती हूँ और इसे बजाने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, फिर वेरी रिलैक्स्ड। किचन से लाइट आती रहती है तो लाइट चलाने की अभी ज़रूरत मुझे दिख नहीं रही, इसलिए ये देखिए बॉईल आ गया हमारी चाय में, और तैयार है हमारी कड़क चाय, एंजॉय। अभी हम इसे बॉईल करेंगे, ये पत्ती कच्ची होगी, उसे पकाएंगे। और ये देखिए वाष्प किस तरीके से उड़ती हुई, ये देखिए देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब आएगी वाष्प। ये चाय होंगे, किचन से लाइट आती रहती है तो लाइट चलाने की अभी ज़रूरत मुझे दिख नहीं रही, इसलिए ये देखिए बॉईल आ गया हमारी चाय में, और तैयार है हमारी कड़क चाय,
एंजॉय। अभी हम इसे बॉईल करेंगे, ये पत्ती कच्ची होगी, इसे पकाएंगे। और ये देखिए वाश किस तरीके से उड़ती हुई, ये देखिए देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब आएगी वाश। ये दोस्तों आज पानी का बिल आ गया है, ये जमा करेंगे। दोस्तों चलो अब हम पढ़ेंगे रामायण, तो उसके लिए पहले हम धूप बत्ती जोड़ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं रामायण। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रामायण। वर्णन किया, बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ लेंगे। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि।